हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। और बहुत बहुत दिन के बाद फाइनली आज मैं चला आया हूँ एक फोर व्हील्स के ऊपर डिटेल वर्कआउट लेके। और जिस फोर व्हील्स के ऊपर मैं डिटेल वर्कआउट लेके आज चला आया हूँ वो है 2023 में आके महिंद्रा की तरफ से नया रियर व्हील ड्राइव वाला थॉर डीजल मैनुअल वेरिएंट। हालांकि 2023 में 9th ऑफ जनवरी को ये जो एसयूवी है ये इंडियन मार्केट में आ चुका था, वर्धमान में भी पहुंच चुका था, पर इसका इतना क्रेज था आते ही फट से ये शोरूम से निकल जा रहा था। तो फाइनली आज कुछ टाइम मिला है इसके ऊपर एक डिटेल वर्कआउट बनाने के लिए। तो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक महिंद्रा सलूजा, मुझको उन लोगों के शोरूम में के उन लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर इस कंटेंट को बनाने का परमिशन देने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महिंद्रा सलूजा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। अगर वर्धमान के टेरिटरी से हो और महिंद्रा के प्रोडक्ट के ऊपर दिलचस्पी रखते हो तो बेझिझक कॉल कर देना, अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे शोरूम में पहुंच के नजदीक से देख लेना आप लोगों का फेवरेट महिंद्रा प्रोडक्ट्स को। सो हियर इज द हैंडसम द मस्कुलर थॉर। तो जिन लोगों को एसयूवी पसंद है मेरा ख्याल से उन लोगों का जो पसंद का जो लिस्ट होगा उनमें थॉर आने ही वाला है, क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस, इसका अपीयरेंस बहुत ही कमाल का है। तो बेसिकली इस थॉर के ऊपर 6 कलर अवेलेबल है। अभी जो सामने खड़ा है ये है ब्लैक, और इसमें 2 नया कलर इंट्रोड्यूस किया है महिंद्रा वालों ने, एक है ब्लेजिंग ब्रॉन्ज और एक है एवरेस्ट व्हाइट। तो थर के बारे में एक चीज जो था, पहले इसका प्राइस बहुत हाई था इसलिए जी करते हुए भी बहुत सारे लोगों को ये अफोर्ड नहीं होता था, पर उन लोगों के लिए 2023 में 9th ऑफ जनवरी को महिंद्रा वालों ने एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, वो है रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट जो आप लोगों के सामने खड़ा है। तो बेसिकली इस रियर व्हील वाला वेरिएंट में 2 वेरिएंट आता है, एक है एलएक्स वेरिएंट और एक है एएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। अब लोगों के सामने जो खड़ा है ये एलएक्स वेरिएंट है, मतलब रियर व्हील ड्राइव डीजल मैनुअल वेरिएंट का टॉप मॉडल है ये। तो एएक्स ऑप्शनल जो है उसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है 9,99,000, हालांकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और ये जो खड़ा है एलएक्स वाला वेरिएंट, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 10,99,000 रुपीज। तो इस एलएक्स वर्जन और एएक्स वर्जन में आपको बाहर बाहर से उतना कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बस कुछ कुछ जगह पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि जो एएक्स वर्जन है उसमें आपको जो व्हील है वो 16 इंच का मिलता है और इसमें आपको 18 इंच का व्हील मिलता है। और दूसरा जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा, इसमें अभी एलॉय है और जो एएक्स ऑप्शनल है उसमें आपको स्टील वाला व्हील देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जो चेंज है वो आपको गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलेगा। वैसे तो 3985 मिलीमीटर लेंथ वाला, 1820 मिलीमीटर विड्थ वाला इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो सही में बहुत ही कमाल का है। मतलब जहां पे भी आप इस गाड़ी को लेके जाओगे लोग तो घूम घूम के देखने वाला है इसका रोड प्रेजेंस इतना पावरफुल है। अगर गाड़ी के फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में आपको एक राउंड शेप बहुत ही पावरफुल हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इसका जो फॉग लाइट है ये भी हैलोजन वाला है। उसके साथ फ्रंट में आपको बहुत बीफी सा पर प्लास्टिक का फ्रंट बम्पर देखने को मिलेगा, ये जहाँ पे थार का बैजिंग भी है। और इसका जो ग्रिल एरिया है इसमें पेंट का थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे ये ग्लॉसी ब्लैक है तो यहाँ पे मैट ब्लैक, थोड़ा सा ग्लॉसी मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे महिंद्रा का 3D लोगो आपको देखने को मिलेगा। अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक प्रोमिनेंट व्हील क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये जो क्लैडिंग है ये फ्रंट व्हील से शुरू होकर कंटिन्यू होके रियर व्हील तक जाता है, उसके बाद ये रियर में भी कंटिन्यू होता है, जिसके लिए इस गाड़ी का जो लुक्स है उस लुक्स को एक्स्ट्रा एक पावरफुल प्रेजेंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे आपको थॉर का बैजिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी थॉर का बैजिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो पैर रखने का जो जगह है ये हार्ड प्लास्टिक का है, और यहाँ पे भी व्हील क्लाउडिंग देखने को मिलेगा आपको। और ये बाद में बोल रहा था ये कंटिन्यू हो रहा है, और रियर में आपको एक हैलोजन टेल लैंप देखने को मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे भी थॉर का बैजिंग है। उसके साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, और इस एसयूवी में आपको रियर में रियर डिफ्रॉगर देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ बातें, एलएक्स एएक्स दोनों वेरिएंट में भी आपको हार्ड टॉप देखने को मिलेगा। तो अभी गाड़ी का डोर खोल के चले जाते हैं अंदर में, और अंदर पहुंच के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं।
तो गाड़ी में बैठते ही जो चीज सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस करने वाला है वो है इसका जो टोटल डैशबोर्ड जो है, ये एक बहुत ही आपको अप मार्केट फीलिंग्स देने वाला है। ये बहुत ही प्रीमियम कार में आपको देखने को मिलेगा ऐसे कुछ चीजें। बहुत ही नीटली डिजाइन किया गया है यहाँ पे। हाँ, प्लास्टिक है यहाँ पे, हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है, पर ओवरऑल अगर इस डैशबोर्ड को अगर देखोगे आप, इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखोगे, इस स्टीयरिंग व्हील को देखोगे, तो एक अप मार्केट वाला फीलिंग्स आपको आने वाला है। तो मुझे तो ये स्टीयरिंग व्हील पर्सनली बहुत पसंद आता है। उसके साथ यहाँ पे बहुत कुछ चीज आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कॉल जो है उसको रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, वॉइस को अप डाउन कर सकते हो, यहाँ पे वॉइस मोड है। उसके साथ आपको यहाँ पे एनालॉग डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बीच में एक TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसका स्विच जो है, कंट्रोलिंग स्विच जो है यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक लाइट का थ्रो एडजस्ट करने के लिए स्विच मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे एक माइक्रो हाइब्रिड का स्विच देखने को मिलेगा, मतलब एक गाड़ी इसको जब ऑन करोगे और ट्रैफिक में फंसोगे, क्लच से पैर हटाओगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगा, क्लच में पैर दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ये एक बात है। और उसके साथ इस स्विच के द्वारा आप इसका जो मल्टी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, जहां से आपको बहुत कुछ चीज देखने को मिलेगा, ये एक बात है। ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे जो जो चीज आपको देखने को मिलेगा और एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा वो है ये। तो बेसिकली ये एक वाटरप्रूफ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जहां से आप लोग बहुत कुछ चीज एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि एक मिनट, ओके, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो हो गया, उसके साथ आपको एप्पल कार प्ले हो गया, फोन कार इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे आप रीड आउट कर पाओगे, सेटिंग से बहुत कुछ चीज आप देख पाओगे, डिस्प्ले को एडजस्ट कर पाओगे, इकोसेंस जो है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ और एक चीज जो है वो है ये वाला एडवेंचर वाला। तो दो मोड में ये आता है, एक है ऑन रोड और एक है रफ रोड। तो दोनों में क्या होता है, इसका जो ग्राफिक्स है, लेआउट है, थोड़ा चेंज हो जाता है, टॉर्क का, पावर का कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा, कॉम्पास देखने को मिलेगा, जी मीटर देखने को मिलेगा। वैसे तो इस डिस्प्ले से आपको अल्टीमीटर, कॉम्पास, रोल पिच मीटर, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। रफ रोड पे जब आप इसको डालोगे तब इसका जो लेआउट है थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके साथ इस डिस्प्ले से आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर भी रीड आउट कर पाओगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक कार्बन फाइबर फिनिश देखने वाला चीज मिलेगा, एक राउंड क्रोम डिटेलिंग के साथ एक रेट्रो टच देने वाला एसी वेंट देखने को मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट का स्विच देखने को मिलेगा, ब्लोअर का स्विच देखने को मिलेगा, यहाँ पे हैजर्ड स्विच हो गया और वगैरह डिटेल के सारे स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 6-speed गियर बॉक्स इसमें है, एक बहुत ही प्यारा सा गियर नॉब के साथ ये गियर आता है। उसके साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान रखने का जगह देखने को मिलेगा, यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिलेगा, ये पावर विंडो का स्विच देखने को मिलेगा और ये आपका इमरजेंसी ब्रेक का स्विच, और यहाँ पे आपको एक OVRM का नॉब देखने को मिलेगा। यहाँ पे थॉर का बैजिंग है, ये हार्ड प्लास्टिक कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे एक क्रैप रेल देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे आपका बैजिंग देखने को मिलेगा। महिंद्रा का एक प्रीमियम बैजिंग है इस गाड़ी को अलग पहचान देने के लिए। उसके साथ आपको एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे आप ज्यादा कुछ सामान नहीं रख पाओगे। इसका जो सीट है, इसका सीट का जो अपहोल्स्ट्री है, ये फैब्रिक वाला एक अपहोल्स्ट्री है। उसके साथ यहाँ पे का जो स्टिच है, ये स्टिच का फिनिश भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए इस केबिन का जो फील है, ये बहुत ही प्रीमियम फील देने वाला है आपको। तो अभी क्या करते हैं, रेयर में जाते हैं, रेयर में जाके रेयर सीट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो अभी इस कार का रेयर सीट को एक्सेस करने वाले हैं हम, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to open the door, okay, then here is a switch, you just need to press it, okay, and the seat goes down, then just put your feet here and just hop into the car, okay. तो एक चीज जो इस कार के बारे में मुझे अच्छा नहीं लगता है वो है इसका रियर सीट। ओके, इस रियर सीट को एक्सेस करने भी बहुत दिक्कत वाला काम है। उसके साथ एक प्रैक्टिकलिटी इशू भी होता है, क्योंकि इतना चौड़ा ये गाड़ी है, फिर भी यहाँ पे व्हील क्लैडिंग हो गया, यहाँ पे व्हील क्लैडिंग हो गया। इसके लिए ये जो रियर वाला सीट है, ये स्ट्रिक्टली फॉर 2 बंदे के लिए है, ये एक बात है। मगर स्पेस होने के बावजूद भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसके साथ ये फिक्स्ड विंडो एरिया है, इसको आप ओपन नहीं कर पाओगे, ये कुछ ग्रैब रेल जैसा है,
यहाँ पे ओवर हेड कुछ ऊपर वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाइट वगैरह देखने को मिलेगा। ये एक बात है, मतलब रेयर से गाड़ी का जो व्यू आता है वो तो तगड़ा आता है, पर रेयर से इसका जो पोजीशन है बतौर पैसेंजर ये उतना कंफर्टेबल पर्सनली मुझको नहीं लगता है। तो अगर इस गाड़ी का जो रेयर वाला जो पोर्शन है अगर उसका जो स्पेस है उसको यूज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको खोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक हिंज है फिर इसको उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एक लाइट देखने का जगह देखने को मिलेगा। पर ये जो जगह है ये उतना भी नहीं है, बहुत कुछ आप इसमें डाल नहीं पाओगे, पर एक चीज इससे होगा वो क्या है, इस गाड़ी को लेके कैंपिंग में जाओ, जंगल में जाओ या नदी के किनारे जाओ, कहीं पे जाओ या समुद्र के पास जाओ, हाथ में एक चाय का कप लो और यहाँ पे बैठ जाओ। ये एक बहुत बढ़िया जगह है कैंपिंग करने के लिए, तो लगेज वगैरह से ज्यादा बैठने के लिए ये जगह आप लोगों का बहुत कम में आएगा। तो यही था एक छोटा पर इंफॉर्मेटिव और डिटेल वर्कआउट ऑन दिस ब्यूटीफुल बीस्ट। अगर आप लोगों को ये कंटेंट हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। बहुत जल्दी दूसरे भी कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।